अब सवाल जो है वो मैं ऑटो पे डाल रही हूँ शो, और वो आप तीनों कपल्स के लिए ये कॉमन सवाल होगा. ठीक है जी, बताइए जी. ये शादी कराने वाला दफ्तर से शादी कराने वाले दफ्तर है, उस वहाँ से कोई शख्स. रिश्ता होने के बाद पहली बार जब आप बेगम के घर गए थे तो आपके साथ कौन कौन था? ओके, ये सवाल मियाओं से किया गया है कि जब रिश्ता मांगने के लिए आप पहली दफा घर गए अपनी बेगमात के. अच्छा, हम शादी के बाद मियाओं हुए? नहीं, जब शादी से पहले आप मियाँ नहीं थे. अच्छा. और बीवी बनाने की ख्वाहिश जाहिर करने के लिए आप घर गए. तीनों से सवाल है. सवाल तो ये कि रिश्ता होने के बाद, रिश्ता होने के बाद अच्छा डेट तय करते हैं. अच्छा, ये वाली बात. या सबसे पहले किसको लेकर गए ना कि रिश्ता मांगे जाके? रिश्ता मांगने जो गए थे तो बड़ी बाजी थी. हाँ, बड़ी बाजी थी और मेरी भांजी नीलम थी. ठीक है. वही थे. बस वो थे. दो लोग वही थे ना, दो लोगों के साथ. वही आए हुए थे, वही गए थे. जेरे के सही जवाब है. ओके गुड, एक पॉइंट है साउद भाई को. चलिए जी साउद भाई. मेरे वालदैन थे. ओके. और मेरी बड़ी बहन. हाँ. और बहनोई और बड़ा भाई. मतलब वालदैन दो, बहनोई बहन चार और भाई पांच. पांच. yes. क्या सही जवाब है? सही है. कोई और तो नहीं रह गया? किसी को मिस तो नहीं कर गए? नहीं, नहीं, यही. ओके, एक पॉइंट, एक पॉइंट. जी मिन्हाज. मैं इन्वेस्टर्स को लेके गया था जिन्होंने फाइनेंस करनी थी मेरी. और वो इन्वेस्टर्स कौन? मेरे नाना, मेरे मामू, मेरी अम्मी, मेरी बहन. क्या ये जवाब दुरुस्त? बिल्कुल दुरुस्त है कि ये फाइनेंस आए. तकरीबन एक साल. याद है भाई शब्द को? नहीं बता पाएंगे. सोचो, फ्लैशबैक में जाओ. हमारी मंगनी हुई थी ना पहले? हाँ ना? पहले मंगनी हुई थी. नहीं नहीं, मंगनी तो वलीमे के बाद होती है यार. गलत याद है. अच्छा, हमने गलत किया, खुदा ने गलत किया. पहले हाँ? नहीं है, उल्टा कर लिया. नहीं, एक तो होती है, देखें रिश्ता तय हुआ था, एक डेट रखी जाती है ना. हाँ. हाँ, तो वो अगस्त में होता है ना. रिश्ता तय होने से मार्च में हुआ था ना. अच्छा, रिश्ते से और शादी तो तीन चार साल लगे थे. चार साल? सही, चार साल बाद. क्योंकि एक डेढ़ साल. इन्वेस्टर्स ने बड़ा टाइम लगा दिया तुम्हारे. मैं बड़ा तेज आदमी हूँ. पिद्दे तो थे ही. उसने कहा ज्यादा से ज्यादा 24 साल की है. मैंने आज की तो सही से मुछे भी नहीं आई थी. उस वक्त भी मैं शेव करने की कोशिश कर था, आती नहीं थी, रबर से मिटाता था. आपसे रिश्ता होने पर लड़की वालों की तरफ से किस एक रिश्तेदार ने तशवीश का इजहार किया था? क्या मतलब? एक ने वो किया ना, पोस्ट किया ना. हाँ, लड़का अच्छा नहीं है, लड़की अच्छी. मतलब कि लड़की वालों के रिश्तेदार ने किसी ने? जी जी जी, लड़की वालों ने. अच्छा, बाहर वालों ने. अच्छा भाई, आप लोगों को शादी के बाद तो बताया होगा ना, जैसे सऊद भाई रिश्ता लेकर आएंगे, सऊद भाई आपके पास, मिन्हाज आपके पास, कि फिल्म का लड़का है. तुम्हारे कोई खानदान वाले ऐसे हो जिन्होंने तशवीश का? नहीं, मैंने किया था खाली. नहीं, मुझे भी एक किसी ने कहा था. जल्दी तुझे ही नहीं. अच्छा, मुझे किसी ने कहा कि भाई वो तो शादीशुदा है, उसकी तो बच्चा भी है, बेटी भी है. आपको भी बोला और आपको भी? हाँ, लेकिन जवेरी बासी थी. आपको बताया इनकी कोई खानदान वाले ऐसे जिन्होंने थोड़ा सा बोला हो? देख लो भाई, बता तो नहीं. मैंने बोला था तुम्हारे अलावा. यही बोलती है. ये मैंने ही बोला था कि भाई ये रिप्रेजेंट करती है. मैंने कहा था फिल्म वाले भाई क्या करें. हाँ, आप बताएं भाई. लिस्ट है. अल्लाह, जैसे तीन बता दें लोग चले जा रहे. एक रिश्ते के इनके दादा थे. ओके. एक दूसरा इनके चचा थे. ओके. और एक दूसरे भी चचा थे. ये तीन नाम मेन ही है रिश्ते के दादा. हाँ. मतलब दादा के भाई थे ना. अच्छा. दादा ही कहते थे. वाले साहब हयात नहीं थे तो वो घर के बड़े वही समझे जाते थे. ओ,
सही बता सही बता रहे हैं सही बता रहे हैं तो फिर कैसे मनाया ये तो मैं भूल ही नहीं सकता मेरी माँ ने मनाया आपकी अम्मा ने मनाया कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर वाले साहब नहीं होते और दूसरे लोग होते हैं ना तो वो थोड़ा ज्यादा सारे चैंपियन बन रहे होते हैं बिल्कुल ऐसे ही होता है अभी दिल से निकली नहीं है शाहूद भाई के लाल हो गए कुछ बातें होती हैं जो याद रह जाती हैं कुछ खुशी की बातें जो आप भूलते नहीं कभी कुछ तकलीफ वाली बातें आप भूलते लेकिन हाँ बदला कभी नहीं लेना होता या लिया मगर मौका नहीं मिला जाती मौका नहीं मिला अबे नहीं लेकिन वक्त ने साबित किया कि आप कोई भी नहीं कोई भी नहीं कोई भी कांस्टेंट सबने कह दिया बेस्ट बच्चा है बस गो फॉर इट कोई वो था भी सच बात नहीं 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 ये तुम्हें इत्मीनान दिलाया गया है घर वालों को इसको घर से निकालने की ये जा रही है कसम से मतलब ये था कि सब ये थे कि ये इन्वेस्टर भी कहता है भाई इसकी शादी हो हमारी इन्वेस्टमेंट आखिरी लगे जैसे मेरे साथ रैम्बो शान ये सारे जितने ना मोमी उमी इनकी बस ख्वाहिश थी कि मेरी शादी हो जाए हाँ। मतलब ये रात को एक बजे फिर जब हमारी तारीख तय कोई सब हो गया शान मैं रैम्बो सारे जवीरे का रात को खाना खाने पहुँच गए सिर्फ हाँ सब देख रहे पापा की तबीयत खराब हो गई हॉस्पिटल गए पता ही तबियत खराब हो गई थी तो उनसे पहले ना रैम्बो लेट गया डॉक्टर साहब जरा जलन मेरे बड़ी हो रही है अच्छा अब वो हमारे एक भाई है शुएब भाई रैम्बो कह रहे हैं डॉक्टर साहब मुझे जलन हो रही है कहते हैं नहीं भाई तुझे हसद है आपकी बरी में कितने जोड़े आए थे ये लड़कियों से हो नहीं ये लड़कों से लड़कों से अच्छा वो भाई उन लड़कों को याद होगा लड़कियां कितने जोड़े लाई थी अम्मी ने मुझे कितने जोड़े हां ये सवाल है ये तो लड़कियों से पूछे जाएगा ना हमें क्या मालूम को याद उन्होंने बता दिया हमें आपको याद है कि नहीं 90 थे शायद या 101 जोड़े नहीं नहीं बरी 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 जहेज नहीं बरी बरी होती है क्या बता जहेज होता है बरी होती है कि आपकी अम्मी ने इनके लिए जो जोड़े बनाए हैं ना वो इनको दिए होंगे आपको मतलब 11 होते हैं 21 होते हैं इस तरह ऑड नंबर नहीं पता होगा मैं बता दूं पहले नहीं यार मुझे नहीं पता होगा तो भाई आपको याद है वैसे ये लेडीज डिपार्टमेंट है लेकिन मैं ख्याल से 21 अम्मी आई थिंक मिनाज वैसे तो बहुत सारे थे हां कुछ 21 का लगेगा 21 आप क्या अबे भाई मुझे लड़की से मतलब था मुझे जोड़े गिन के क्या करना नहीं मतलब देखिए भाई साहब बात है अम्मी आप पैसे मांगती कि तुम्हारी बेगम के 11 जोड़े बना दिए मेरी तो शादी अब्बा ने की थी जैसे इसके फाइनेंसर इसके नाना थे मेरे अब्बा थे हम तो लेके आए थे मैं तो अपना फाइनेंसर था खुद ही हाँ तो तभी तो बोल रही हूँ जवेरिया क्या 21 थे या नहीं थे मैंने खरीदे थे इनकी फैमिली तो सब अमेरिका में थी तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई जितने भी भाभी थी इनकी एक साथ उन्होंने कहा कि इनके साथ जाके जो लेने सारी चीजें मैंने खुद ही खरीदी थी तो कितने बनाए थे बहन यार मैंने कोई 25 के करीब लिए थे अच्छा बड़ी बचत की तो नहीं मैंने इसको शौक था ये तो 100 बनाती अम्मी ने दिए थे ना 71 मैं क्या करूंगी कुछ और ले लेते पैसे उनसे सही बात मेरे आधे रख लिए 11-12 सही कह रहे हां सही कह रहे 11-12 ऐसी कुछ भाई इनका जवाब दुरुस्त है यहाँ गलत है और यहाँ गलत है एक पॉइंट मिनाज को मिला नहीं गलत क्यों है मैंने तो कह दिया कि मुझे पता ही नहीं था तो सही जवाब मगर ये सही जवाब हुआ ना नहीं तो सही जवाब है सही जवाब नहीं नहीं नीता लिसन याद रखना चाहिए मैं अगर कहता कि 10 थे वो कहती नहीं 15 थे तो गलत होता मुझे याद नहीं है तो मैंने सही जवाब दिया ये भी गलत है सही जवाब दिया एक पॉइंट तो मिलना चाहिए ना यार चाय पिलाओ यार अगर बारिश हो जाती है एक-एक पॉइंट मिल जाता है दोनों टीमों को अगर बारिश हो जाती है एक-एक पॉइंट तो मिलता है